एवरीवन, वेलकम और वेलकम बैक टू माय चैनल। दिस इज विद्या यर। और आज के ब्लॉग में मैं एक्सप्लोर करने वाली गगनगिरी महाराज जी का मठ, जो कि महाराष्ट्र के रायगढ़ डिस्ट्रिक्ट के खोपोली स्टेशन से 1.5 किलोमीटर की दूरी पर है। और ये मठ में ना एंटर करते ही बहुत ही पीसफुल और पॉजिटिव वाइब्स मिलते हैं। तो मैं इस पर्टिकुलर ब्लॉग में अपना एक्सपीरियंस शेयर करूंगी और ट्राई करूंगी थोड़ा सा इंपॉर्टेंस एंड हिस्ट्री शेयर करने का ट्राई करूंगी। तो आप ये पर्टिकुलर ब्लॉग जरूर एंड तक देखना। तो विदाउट एनी फर्दर डिले, लेट्स गेट क्विकली स्टार्टेड विद द वीडियो। तो मठ में एंटर करने से पहले जानते हैं कि ये मठ में पहुंचना कैसा है। तो यहाँ पर पहुंचने के लिए नियरेस्ट रेलवे स्टेशन वैसे तो खोपोली स्टेशन है, लेकिन हमारा खोपोली का ट्रेन मिस हुआ था, इसलिए हमने पहले करजत का ट्रेन लिया था। तो करजत से वहाँ से आपको खोपोली ट्रेन की फ्रिक्वेंसी ज्यादा मिलती है, तो वहाँ से हमने करजत से खोपोली का ट्रेन लिया था। तो अराउंड 30 मिनट्स में आप पहुंच जाओगे करजत से खोपोली तक। और ये जो मठ में पहुंचने के लिए जो जर्नी है ना खोपोली स्टेशन तक, बहुत ही सीनिक है। ब्यूटीफुल माउंटेन्स आपको दिखेंगे। तो खोपोली स्टेशन में पहुंचते ही आपको बाहर ऑटो रिक्शाज मिल जाएंगे। 50 रुपीज पर पर्सन होता है मठ में पहुंचने के लिए। और आप सब खोपोली स्टेशन से वॉक कर भी आ सकते हो, 10 मिनट्स की दूरी पर है। तो 1 किलोमीटर का डिस्टेंस है खोपोली से मठ तक पहुंचने के लिए। तो हम पहुंच गए थे 5 मिनट्स में ऑटो से। तो एंटर करते ही यहाँ पर फर्स्ट सिक्योरिटी चेकअप होता है, और राइट साइड में आपको फुटवेयर रखने का फ्री स्टॉल मिलेगा, और लेफ्ट साइड में समाधि मंदिर है। तो चलो अभी चलते हैं समाधि मंदिर में। समाधि मंदिर में एंटर करने से पहले यहाँ पर बाहर फूड कूपन्स मिलते हैं, तो 20 रुपीज पर पर्सन है फूड कूपन्स का। तो वो कूपन्स लेते ही फिर मैंने एंटर किया था मठ में। श्री गगनगिरी महाराज जी का जन्म 1906 में श्रीपद पाटनकर के रूप में महाराष्ट्र के सातारा जिले के पाटन में मंदुरे नामक गाँव में हुआ था। और यहाँ पर बहुत से भक्त मेडिटेट भी करते हैं, और यहाँ पर आपको श्री गगनगिरी महाराज जी के ओल्ड फोटोज देखने को मिलेंगे। गगनगिरी महाराज जी का मठ ये पाताल गंगा नदी के किनारे स्थापित हुआ है। और गगनगिरी महाराज अपने मेनली जल तपस्या के लिए जाने जाते थे, और उन्हें श्री दत्तात्रेय भगवान जी का भी रूप माना जाता है। तो अभी जस्ट गगनगिरी महाराज जी का दर्शन हो गया, और आज संडे है, संकट चतुर्थी है, तो थोड़ा सा ज्यादा क्राउड है। और अभी मैं आगे जा रही हूँ माउंटेन्स के इधर ना, प्रति केदारनाथ जी का मंदिर है, महादेव जी का मंदिर है। तो जो शिवलिंग है ना यहाँ पर, वो सेम जो केदारनाथ मंदिर है ना उत्तराखंड में, वैसे सेम शिवलिंग है यहाँ पर, इसलिए ये मंदिर को प्रति केदारनाथ मंदिर भी कहा जाता है। तो चलो चलते हैं, देखते हैं प्रति केदारनाथ जी का मंदिर। और अभी ना दोपहर के 12:30 बज रहे, 1 o'clock को यहाँ पर ना महाप्रसाद रहता है। तो अभी हम लोग पहले दर्शन कर लेते हैं केदारनाथ जी के मंदिर का, और फिर मैं आप सबको आगे यहाँ पर महाप्रसाद का सब कैसा फैसिलिटी है वो भी मैं बताऊंगी। और यहाँ पर ना ये जो यहाँ पर जो मंदिर के मंदिर जाने के लिए जो वॉकेबल डिस्टेंस है ना, बहुत ही सीनिक है, पूरा नेचर से भरा हुआ है, और यहाँ पर बहुत ही पीसफुल वाइब्स आ रहा है और अच्छा लग रहा है यहाँ पर आते ही। तो चलो चलते हैं केदारनाथ जी के मंदिर में। और यहाँ पर ना रहने के लिए भी अगर आपको स्टे करना है तो रूम्स भी अवेलेबल है। मैं आगे आपको बताती हूँ यहाँ पर रहने का क्या फैसिलिटी है। 500 रुपीज पर पर्सन है, 500 रुपीज पर पर्सन है इंक्लूडिंग लंच एंड डिनर है। और यहाँ पर देखिए ऐसे रहने के लिए बड़े बड़े आश्रम में आप रह सकते हैं, और बहुत अच्छा लगता है यहाँ पर आते ही। Oh, oh, oh.
तो अंदर केदारनाथ मंदिर में एंटर करने के बाद वहाँ पर मोबाइल्स अलाउड नहीं, बैनर लगा हुआ है। देखती हूँ, मैं ट्राई करूंगी कि थोड़ा सीनरी कैप्चर करने के लिए, और मंदिर कैसा है वो भी मैं आप सबको बताऊंगी। आई ट्राई टू टेक सम शॉट, लेट्स गो। केदारनाथ मंदिर में आगे जाने से पहले ना, यहाँ पर आपको नाम श्री गगनगिरी महाराज जी का, ये यहाँ पर एक छोटा सा मंदिर दिखेगा, और नवग्रह भगवान जी का भी मंदिर है छोटा सा, तो हमने अभी जस्ट दर्शन कर लिया। तो यहाँ पर मंदिर में, यहाँ पर मठ में दर्शन के लिए मैं मेरे मम्मी के साथ आई हूँ, और मम्मी और भाई के साथ आई हूँ। तो अभी दोपहर के 12:15 बज रहे हैं और यहाँ पर बहुत ज्यादा धूप है, तो हमने डिसाइड किया है कि कैंसिल कर रहे हैं, हम ऊपर नहीं जा रहे, और ऊपर 10 मिनट्स ऊपर चलकर जाना पड़ेगा। वहां पर केव के अंदर भी महादेव जी का शिवलिंग है, और यहाँ पर हेलीपैड है, हेलीकॉप्टर्स लैंड करते, और पैर बहुत जल रहा है, पैर बहुत जल रहा है, मैं आगे बोल नहीं पा रही हूँ, लेकिन यहाँ पर ये नज़ारा देखे बहुत सुंदर है। यहाँ पर हेलीपैड है पीछे, और देखिए यहाँ कुछ इस तरह से व्यू है पूरा। तो पांच धूप था, जहां पर हेलीपैड है ना वहीं पर धूप है, आगे धूप नहीं, थोड़ा सा शैडो है। तो मैं जा रही हूँ केव में दर्शन के लिए, महादेव जी के दर्शन के लिए, लेट्स गो। और यहाँ पर ना आगे गौशाला भी है, मैं ट्राई करूंगी आप सबको गौशाला भी बताने। और देखिए वहां पर बहुत सुंदर सीनिक माउंटेन है, पूरा लैंडस्केप है एक्चुअली, जैसे एकदम टोक एक कॉर्नर वाले माउंटेन्स नहीं है, फ्लैट वाले माउंटेन्स है। तो अभी हम गौशाला में आए, यहाँ पर छोटे छोटे गौ माता है, लील टाकतील। ये मठ में आपको आगे जाते जगह जगह पर टॉयलेट की भी फैसिलिटी मिलेगी। तो अभी 12:30 बज रहा था, तो महाप्रसाद का टाइम है 12:30 से लेकर 1:30 तक, तो आपको कूपन्स लेना होगा, 20 रुपीज़ का जो कूपन होता है स्टार्ट में ले लेना आप। सो दैट्स इट फॉर दिस व्लॉग, ये था गगनगिरी महाराज जी का मठ जो कि खोपोली में है। तो यहाँ पर आते ही बहुत अच्छा लगता है, बहुत दिनों से मैं अराउंड अभी 8 ईयर्स बाद यहाँ पर आई हूँ, और आज 8 ईयर्स बाद भी आते ही यहाँ पर बहुत अच्छा लग रहा है। पहले यहाँ पर पूरा जंगल जैसे था, अभी बहुत ज्यादा डेवलप हो गया ये पूरा मंदिर। मंदिर तो पहले से ही डेवलप था, लेकिन बाहर का जो एरिया है ना, बाहर दुकान वगैरह पहले नहीं थे, अभी बाहर आपको बहुत सारे दुकान भी मिलेंगे। सो यार थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग, मैं आप सबसे मिलती हूँ अगले वीडियो में,
और ये पर्टिकुलर ब्लॉग आप सबको कैसा लगा मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताना, क्योंकि मेरे ही सब्सक्राइबर ने मुझे रिक्वेस्ट किया था कि टेंपल्स मुंबई में और मुंबई के बाहर फेमस टेंपल्स एक्सप्लोर करने के लिए, और मैंने ट्राई किया थोड़ा इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड करने के लिए। सो मुझे कमेंट सेक्शन में अपना फीडबैक ज़रूर देना सो दैट आई कैन इम्प्रूव माई ब्लॉग्स। सो या आई सी यू ऑल इन द नेक्स्ट वीडियो, टिल देन स्टे सेफ एंड हेल्दी, बाय।